नमस्कार, मैं मिथुन वाजपेयी। अपने यूट्यूब चैनल मिथुन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। अगर आप SSC GD 2024 एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। जैसा कि आपको पता है कि नोटिफिकेशन भी आपका जो है SSC की तरफ से रिलीज कर दिया गया है। आज जो पेपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है SSC GD 2022 का पेपर, जो कि 12 जनवरी 2023 को फर्स्ट शिफ्ट में हुआ है। उसके जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन हैं उनको एक एडवांस अप्रोच के साथ यहाँ पे हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। पहले हम लोग 2022 के सारे पेपर को सॉल्व करेंगे, फिर 2021 के और फिर उससे पुराने वाले। अगर आप पिछले तीन साल के जो पेपर हैं उनका सोल्यूशन अगर कर लेते हैं तो एग्ज़ाम में आप बहुत बेहतर करके आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके अलावा आप हमारा जो ऑफिशियल एप्लीकेशन है उसे भी डाउनलोड कर लीजिए। इसी पे मैं आपका ऑल इंडिया जो लाइव मॉक है वो कराऊंगा। तो इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन के साथ साथ आपको मैं कॉन्सेप्ट भी बताने का प्रयास करूँगा, तो इस क्लास से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है कि एक ट्रेन सीधे रेल पथ पर 129 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है और समांतर सड़क पर एक छोटी कार 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है। यदि ट्रेन 943 मीटर लंबी है और वे एक ही दिशा में चल रही हैं तो कार को पूरी तरीके से पार करने में ट्रेन को कितना समय लगेगा, सेकेंड में आपको बताना है। जबकि ट्रेन की लंबाई की तुलना में कार की लंबाई जो है वो ना के बराबर है। तो आपको पता होना चाहिए कि समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल होता है। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो कितना समय लगेगा, दूरी कितनी है ट्रेन की लंबाई के बराबर, कितनी है 943 मीटर, ठीक है। चाल क्या होगी, देखो एक ही दिशा में जा रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड कैसे निकालेंगे, इन्हें घटा के। तो 129 में से अगर हम 60 घटाएंगे तो कितना रिलेटिव स्पीड आएगा आपका, 69 किलोमीटर पर आवर। और इसे हम मीटर पर सेकेंड में अगर चेंज करेंगे तो 5/18 से गुणा करेंगे, 18 आपका ऊपर चला जाएगा। 3 से काट सकते हैं, 3×18 3×2×6 3×3×9 23 से काटेंगे, 23×92 हुआ और 23×1=23। तो यहाँ पे कितना जाएगा, 6×6 6×6=24 5/5। तो 5 से काटेंगे, 5×6=20 और 5×9=45 और 5×2=10 यानी कि 49.2 सेकेंड आएगा। तो हमें पूर्णांक में बताना, यानी कि 49 सेकेंड लगेंगे। तो पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आप समझ पाए होंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने जो कार है उसकी लंबाई क्यों नहीं ली, क्योंकि यहाँ पे देखो दिया हुआ है साफ साफ कि ट्रेन की लंबाई की तुलना में कार की जो लंबाई है वो ना के बराबर, यानी कि ये कार को इस तरीके से ट्रीट करें जैसे कि कोई आदमी होता है या कोई ऐसी चीज़ जिसकी लंबाई ट्रेन की तुलना में ना के बराबर हो, तो उसकी लंबाई को हम लोग काउंट नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर अगर पुल होता या कोई सुरंग होती तो उसकी लंबाई को हम लोग लेते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है कि 50,000 रुपये की राशि पर 6% वार्षिक की दर से 2 वर्ष के अंत में अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, यानी कि 2 वर्ष का आपको ब्याज बताना है। देखो रेट अगर 6% वार्षिक है तो आपकी छमाही दर क्या होगी, 3%, और 2 साल में छमाही कितनी बनेगी, 4 छमाही। इसका मतलब है 4 छमाही का आपको ब्याज निकालना है। तो 4 छमाही का जो ब्याज है वो वैसे ही निकलेगा जैसे 4 साल का ब्याज निकलता है। तो पहली छमाही में ब्याज कितना मिलेगा, 50,000 का 3%, दैट मीन 1,500 रुपये। फिर अगले छमाही में 1,500, तो 1,500 रहेगा और इस पर 3% यानी कि 4,500 रुपये और मिलेगा। फिर अगले साल क्या होगा, 1,500, तो 1,500 रहेगा। हर वैल्यू को उठाओ और उसे रिपीट करो और फिर उस पर इंटरेस्ट लगाओ। देखो 1,500 रहेगा और 1,500 पे ब्याज कितना मिलेगा, 45। तो उन्हें 1,500 का काम खत्म कर दिया। अब ये वाला जो 45 है ये 45 रहेगा ही, और 45 पे भी 3% ब्याज मिलेगा, यानी कि कितना हुआ, 45×3=135, दैट मीन 1.35 हो गया। अगले छमाही में क्या होगा, 1,500, तो 1,500 रहेगा, फिर इस पर 45 रुपये ब्याज मिलेगा, फिर 45 रहेगा, 45 पे 1.35 ब्याज मिलेगा। फिर इसकी बात कर लेते हैं, 45 रहेगा और इस पर 1.35 ब्याज मिलेगा। अब इसको उतारेंगे, 1.3535 रहेगा और इस पर भी 3% ब्याज मिलेगा। तो इसका 3% कितना आएगा, देखो 53 15 3 3 9 और 1 10 3 और 1 कितना हुआ 4, और यहाँ पे पॉइंट जो है वो 2 अंक और खिसक जाएगा, यानी कि 0.0405। तो इसे जोड़ो, देखो अप्रॉक्स आप यहाँ से अनुमान लगा सकते हो। देखो ये कितना हो गया, 15×6=60 6,000 हो गया, 1 बार 45, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार, तो 45×6 कितना हुआ आपका, 270, यानी कि 6270 तो यही हो गया, ठीक है। और फिर आपका ये भी है,
चार पांचवा, लगभग पांच ये भी आ गया, यानी कि 6275 के आसपास आपका आंसर आएगा। तो दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है, बस यहाँ पे आपको कैलकुलेशन करनी है। आप दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हो, जैसे कि 50,000 है, 50,000 धन राशि है, अब यहाँ पे आप मिश्र धन वाले कॉन्सेप्ट से लगा लो, जैसे कि यहाँ पे 3% ब्याज का मतलब है हर छमाही में जो धनराशि है वो 103/100 हो जाती है, तो फिर 103/100, फिर 103/100, फिर 103/100, और यहाँ से मिश्र धन आपका आ जाएगा, फिर 50,000 में से घटाओगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ब्याज आ जाएगा। क्लियर? तो ये प्रोसेस काफ़ी लंबा है, यहाँ से क्या है आप डायरेक्ट ब्याज जो है वो निकाल सकते हो। इस कॉन्सेप्ट को समझ लो, यहाँ पे किस तरीके से लगाते हैं। देखो ब्याज जो होगा, ब्याज तो ब्याज रहेगा और ब्याज पे भी ब्याज मिलता है, इसी को हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। जैसे 1500 रहा, फिर इस पे ब्याज मिला, फिर अगले स्टेप में क्या है 1500 तो 1500 रहेगा, मतलब हर बार स्टेप जस्ट डबल हो जाएंगे। जैसे एक का दो हुआ, दो का चार होंगे स्टेप, चार के आठ होंगे स्टेप। क्लियर? अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है कि यदि कोई व्यक्ति 12 रुपये में 15 पेंसिलें खरीदता है और 15 रुपये में 12 पेंसिलें बेचता है तो लाभ या हानि क्या होगी। देखो ऐसे क्वेश्चंस को कब आप सॉल्व कर पाओगे, अगर देखो यहाँ पे या तो हम प्राइस बराबर करेंगे या वस्तुएं बराबर करेंगे, या तो हमें ये पता चल जाए कि हमने समान पैसा लगा के कितनी वस्तुएं खरीदी और कितनी बेची, तो हम प्रॉफिट निकाल सकते हैं। या हम ये कर सकते हैं दूसरा तरीका कि समान वस्तुएं हमने कितने की खरीदी और कितने की बेची, तो हम प्रॉफिट या लॉस निकाल सकते हैं। तो यही काम करते हैं यहाँ पे, हम या तो वस्तुओं को बराबर करते हैं या प्राइस को बराबर करते हैं। तो यहाँ पे सीपी के लिए क्या दिया हुआ है, 15 पेंसिलें खरीदता है और कितने रुपए में, 12 रुपए में। ऐसे एसपी क्या है, कितनी 12 पेंसिलें बेचता है कितने की, 15 रुपए की। तो बस कुछ नहीं करना, इसको इससे गुणा कर दो, इसको इससे गुणा कर दो, यानी कि सीपी कितना आ गया आपका 144। ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि हमने वस्तुओं को बराबर किया, यहाँ पे 12 से गुणा किया और यहाँ पे 15 से गुणा किया। क्लियर? ये बात आपको समझ में आ गई, इसी वजह से इसको चाहे आप क्रॉस में कह दो या इस तरीके से कर लो, ठीक है। तो 12 बराबर 144 और 15 बन कितना हुआ 225, यानी कि हम कह सकते हैं कि हमने 180, देखो 12 से जब इसे गुणा किया, तो इसे हम समझाने के लिए आपको बता रहे हैं, बाकी समझ सकते हो आप। 180 वस्तुएं हमने कितने की खरीदी, 144 की, 180 वस्तुएं हमने कितने की बेची, 225 की। अब वस्तुएं हमें पता है 180 खरीदे और बेच रहे हैं, तो हम प्रॉफिट या लॉस निकाल सकते हैं। तो यहाँ से कितने का हमें फ़ायदा हुआ भाई, 81 का फ़ायदा हुआ किस पे, 144 पे, तो 100 पे कितना होगा, देखो 9 से काट सकते हैं, 9 9 81, 9 51 9 9 6 54, 4 से काटेंगे 25, यहाँ पे कितना आएगा 4 6 16, तो 25 9 225/4, तो 4 5 20 और 4 6 24, यानी कि 56 1/4, तो 56.25% भी लिख सकते हैं। क्लियर? पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है, आपको कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, ये तो सिंपल है, ये अगर ये समानुपात में है तो 3 और 5 का वही अनुपात होगा जो एक्स का 75 से होगा, तो 15 5 75 होता है, 15 3 कितना हुआ 45, दैट मीन कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है, तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है कि 15 मजदूर में 12,600 रुपये बांटे जाते हैं, इनमें 7 पुरुष 3 महिलाएं 5 लड़के हैं, यदि प्रत्येक महिला प्रत्येक लड़के का 3 गुना प्राप्त करती है और प्रत्येक पुरुष प्रत्येक लड़के का 7 गुना प्राप्त करता है, तो प्रत्येक महिला का हिस्सा क्या होगा। देखो 7 यहाँ पे पुरुष हैं, महिलाएँ हैं और लड़के हैं, ठीक है। पुरुषों की संख्या जो संख्या है वो कितनी है, 7 है, और महिलाएं कितनी है, 3 है, लड़के कितने हैं, 5। अब इनको जो पैसा मिलता है उसका रेशियो निकाल लो, प्रत्येक महिला को प्रत्येक लड़के का 3 गुना मिलता है, मान लेते हैं लड़के को 1 रेशियो मिला तो महिला को कितना मिल रहा है, 3 रेशियो, और प्रत्येक पुरुष को प्रत्येक लड़के का 7 गुना, यानी कि प्रत्येक पुरुष को कितना मिल रहा है, 7। अगर रुपया इतना ही हो तो ये कितना रुपया पाएंगे, 7 7 49, यहाँ पर कितना 3 3 9, और यहाँ पर 5 51 5, यानी कि 49 और 9 कितना हुआ आपका 58 58 5 63, 63 रुपये आएगा। लेकिन रुपए एक्चुअल में कितना है, इनके इनको बट रहा है 12,600, तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 200 के बराबर, यानी कि 1 रेशियो की वैल्यू 200 आई, तो प्रत्येक महिला को कितना मिल रहा है, 3 रेशियो, तो 3 की वैल्यू कितनी होगी, 3 × 200, दैट मीन 600। तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है, तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका
बिल्कुल करेक्ट है। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, ये तो मौखिक आप कर सकते हैं। यदि किसी घन के सबसे लंबे विकर्ण की लंबाई जो है वो 6√3 है, यानी कि घन का विकर्ण क्या होता है, भुजा √3 होता है, और उसकी वैल्यू कितनी दी है, 6√3, यानी कि जो घन की भुजा है वो कितनी आ गई, 6। तो घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब, तो 6 का क्यूब कितना हो जाएगा, 216। क्लियर। तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है कि 5,60,000 रुपए में एक कार खरीदता है, जो मेहुल जो है वो 5,60,000 रुपए में एक कार खरीदता है और बाय इसे पुनर्निर्मित करता है और अंततः इसे 6,40,000 रुपए में बेच देता है, तो कार के मूल्य में प्रतिशत वृद्धि क्या होगी। देखो, जब भी आपको परसेंट में आंसर निकालना हो तो परसेंट इज द पार्ट ऑफ फ्रैक्शन, आपको पूरा वैल्यू की जरूरत नहीं है, आप अगर इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लो तब भी आपका काम चल जाएगा। तो देखो, इतने में खरीदता है और इतने में बेचता है, तो 3 0 ऐसे हम काट सकते हैं इसके, ऐसे 8 से काट लें, 8 7 56 और 8 8 64, यानी कि क्वेश्चन अब बस इतना रह गया कि 7 की चीज़ को 8 का बेचता है, तो कितने का फायदा हुआ, 1 का, 1 का फायदा 7 पे हुआ, तो 100 पे कितना होगा, 100/7, तो बस सिंपल सा आंसर आ जाएगा आपका। तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है, बाकी आपको जीरो वगैरह इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है कि एक्स भूतल पर स्थित लिफ्ट में चढ़ता है जो 30 मंजिल प्रति मिनट की गति से ऊपर जाती है, जबकि वाई उसी समय 85 मंजिल पर एक दूसरी लिफ्ट में चढ़ता है जो 45 मंजिल प्रति मिनट की गति से नीचे आती, किस मंजिल पर उनके मार्ग मिलेंगे। देखो, एक्चुअल में ये क्वेश्चन इस तरीके का है कि दो स्थानों के बीच की जो दूरी है वो कितनी है, 50 है, ठीक है। यहाँ से एक व्यक्ति चलता है 30 मंजिल प्रति मिनट की चाल से और यहाँ से एक चलता है 45 मंजिल प्रति मिनट की चाल से, तो ये पूछ रहा है कि किस मंजिल पे मिलेंगे। तो सबसे पहले ये निकालो कि कितने समय के बाद मिलेंगे, और उस समय में चाहे इधर से तय की गई दूरी निकाल लो या इधर से तय की गई दूरी निकाल लो, तो कितने समय के बाद मिलन होंगे। देखो, ये भी इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये एक दूसरे का मिलन इनका कब होगा, समय बराबर क्या होता, दूरी बटे चाल। तो 50 की जो दूरी है वो रिलेटिव स्पीड से जितने टाइम में कवर कर लेंगे उतनी देर के बाद इनका मिलन हो जाएगा, और अपोजिट डायरेक्शन में जो स्पीड होती है वो जुड़ती हैं, यानी कि चाल कितनी है हो जाएगी आपकी 75, तो 25 × 50 25 × 75, यानी कि कितनी देर के बाद मिलन होगा इनका, 2/3 मिनट के बाद इनका जो है मिलन होगा। क्यों? क्योंकि जो चाल है वो किस में है, आपकी 30 मंजिल प्रति मिनट में, ठीक है। तो इसलिए टाइम जो आएगा वो कितना आएगा, 2/3 मिनट। तो 2/3 मिनट में ये कितनी दूरी तय कर लेगा, 2/3 मिनट में तय की गई दूरी, दूरी बराबर चाल गुणे समय, यानी कि 30 × 2/3, यानी कि किस मंजिल पे ये मिलेंगे, 20वीं मंजिल पे, ठीक है। चाहे आप इधर से भी निकाल लोगे तब भी 20वीं मंजिल पे आएगा, तो यहाँ पे यही पूछ रहा है कि किस मंजिल पे मिलेंगे, तो किस मंजिल पे मिलेंगे, 20वीं मंजिल पे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आप समझ पाए होंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, आरव और दुर्गा मिलकर एक कार्य को 33 दिन में पूरा कर सकते हैं, उन्होंने 15 दिन तक एक साथ काम किया और फिर आरव ने काम छोड़ दिया और शेष काम को दुर्गा ने 30 दिन में पूरा किया, आरव अकेले कितने दिनों में कार्य को पूरा करेगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, देखो आरव है और एक दुर्गा है, ये दोनों मिलकर कार्य को 33 दिन में पूरा करते हैं, 15 दिन तक अगर इन्होंने काम किया तो काम कितना हो गया, 15/33, यानी कि 15 और 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3, यानी कि 5/11 काम हो गया, 11 टोटल काम था, 5 हो गया, यानी कि बचा कितना काम, 6/11, और इस शेष काम को दुर्गा जो है वो कितने दिन में करती है, 30 दिन में करती है, तो 6×5 = 30, यानी कि दुर्गा पूरे काम को कितने दिन में करेगी, 55 दिन में, दुर्गा पूरे काम को जो है वो 55 दिन में करती है। तो पूछ ये रहा है कि आरव अकेले पूरे काम को कितने दिन में करेगा, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, इनका एलसीएम कितना हुआ, 165। नहीं अगर लेने का तरीका आपको पता है एलसीएम, तो मान लेते हैं कोई एक नंबर इसका एलसीएम, मान लेते हैं 33 इसका एलसीएम है, तो ये संख्या जो है वो 55 से भी कटनी चाहिए, 55 क्या होता है, 11 × 5 होता है, तो 33 में 11 तो है, 5 की कमी है, तो 5 से गुणा कर देंगे, क्लियर। इसलिए यहाँ पे कितना जाएगा आपका, 165 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये एक दिन में कितने लड्डू बनाता है, 5, और ये कितने बनाता है, 3। देखो, दुर्गा 3 बनाती है, दोनों मिलके 5 बनाते हैं, इसका मतलब आरव एक दिन में कितने लड्डू बनाता है, 2, तो पूरे के पूरे 165 लड्डू बनाने में कितना समय लगेगा, 165/2। तो दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, 5,000 रुपये पर अंकित
मूल्य के एक दर्जन पतलून के जोड़े पर 16% की छूट मिलती है। 2100 रुपये में कितने जोड़ी पतलून आएंगे आपको ये बताना है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो यहाँ पे 5000 रुपये अंकित मूल्य के एक दर्जन पतलून के जोड़े पर 16% की छूट मिलती है, यानी कि 12 जोड़े जो पतलून है वो कितने के मिलते हैं, 5000 पे हमें 16% का डिस्काउंट मिला, दैट मीन इसके 84% में मिलते हैं, 84% मिलते हैं यानी कि 84/100, तो 12 से काटेंगे 62/84 और यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, यानी कि एक जोड़े जो पतलून है उसकी कीमत कितनी है 350। तो 2100 में कितने जोड़े आएंगे, 2100 को 350 से डिवाइड कर देंगे तो 0 से 0 कैंसिल हुआ, 7 3 21 7 5 35 5 6 30 यानी कितने जोड़ी आएंगे पतलून, 6 जोड़ी। तो दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है कि एक निश्चित धनराशि 3 तिमाहियों के बाद मिश्र धन कितना है, 13,310 रुपये हो जाएगी। एक निश्चित धनराशि 3 तिमाहियों के बाद मिश्र धन जो है वो 13,310 रुपये हो जाएगी। यदि ब्याज की दर 40% वार्षिक है और ब्याज तिमाही रूप से चक्रवृद्धि होता है तो वर्तमान धनराशि क्या होगी। देखो तिमाही एक साल में कितनी होती है, 4, तो तिमाही रेट क्या होगी, 40 को 4 से डिवाइड कर दो यानी कि 10% की रेट होगी। तो 3 साल में देखो भाई मूलधन और मिश्रधन का अनुपात होगा क्या, तो 10% का मतलब क्या हुआ, 1/10, यानी कि धनराशि हर तिमाही में 10 से 11 हो जाती है, तो अगली तिमाही में फिर 10 से 11 हो जाएगी, फिर अगली तिमाही में 10 से 11 हो जाएगी, तो 3 तिमाही के बाद इनका अनुपात क्या होगा, धनराशि जो होगी वो 1000 से कितनी हो गई होगी, 1331। तो 1331 की वैल्यू जो है वो कितने के बराबर है, 13,310, यानी कि बस 10 चिपकाना, यानी कि धनराशि एक्चुअल में कितनी रही होगी, 10,000। तो पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है, इसे आप मॉकिंग भी कर सकते हो, ठीक है। आपको अगर डिजिट के बारे में पता है कि भाई 10 और 11 का ये क्यूब है, तो इसका मतलब है 3 तिमाही में ऐसा होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है आकाश अपने घर से स्कूल तक की दूरी अपनी साइकिल से 3 बराबर भागों में क्रमशः 5 किलोमीटर/आवर, 10 किलोमीटर/आवर, 15 किलोमीटर/आवर की चाल से तय करता है। अपने घर से स्कूल तक जाने में आकाश की औसत चाल क्या, देखो डिस्टेंस क्या है, कॉन्स्टेंट है, डिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट है क्योंकि 3 बराबर भागों में तय करता है, तो बराबर अगर भागे इसका मतलब है डिस्टेंस कांस्टेंट है। तो डिस्टेंस अगर कांस्टेंट हो तो 2 अगर चालें दी हैं तो जो एवरेज स्पीड है वो कैसे निकालते हैं, 2x/x+y से निकालते हैं, और 3 चालें अगर दी हैं तो रिलेटिव स्पीड जो है वो कैसे निकालते हैं, मतलब औसत चाल जो है वो कैसे निकालते हैं, 3x/z/xy+yz+zx। लेकिन अगर दूरी बराबर ना हो तो औसत चाल कैसे निकालेंगे, कुल दूरी बटे कुल समय से, क्लियर। तो यहाँ पे डिस्टेंस कांस्टेंट है, इसका मतलब है 3 चालें दी हैं तो ये वाला फार्मूला हम लगा सकते हैं। तो एवरेज स्पीड कितनी आएगी, 3x/z, यानी कि 3 × 5 × 10 × 15। अब यहाँ पे नीचे कितना आएगा, 5 और 10 को गुणा करोगे 50 आएगा, 10 और 15 को गुणा करोगे तो कितना आएगा, 150 आएगा, 115 और 5 को गुणा करोगे तो 75 आएगा, यानी कि कितना हुआ, 3 × 5 × 10 × 15, नीचे कितना हुआ आपका, ये 275, यानी कि 275 हुआ। 5 से काटेंगे, 5 × 3 = 15 और 5 × 25 = 25, फिर 5 से काटेंगे, 5 × 1 = 5 और यहाँ पे कितना आएगा, 11, यानी कि कितना आ गया आपका, ये आपका 10 था, यानी कि 3 × 3 = 9, 90/11, तो 11 × 8 = 88, यानी कि 8 × 2/11 आएगी आपकी रिलेट जो एवरेज स्पीड है वो ये आएगी। तो चौथा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है कि 12 महिलाएं और 16 पुरुष एक काम को 11 दिन में कर सकती हैं, ठीक है। पूरे टाइम एंड वर्क में दो चीज़ें हमेशा याद रखो कि पूरे टाइम एंड वर्क में टाइम जो होता है, जो वर्क होता है वो कांस्टेंट होता है, और वर्क कांस्टेंट होने की वजह से टाइम और कैपेसिटी एक दूसरे के उल्टे होते हैं, ठीक है। यदि प्रत्येक महिला उस कार्य को करने के लिए एक पुरुष द्वारा लिए गए समय का दुगुना समय लेती है तो 16 पुरुष उस काम को कितने दिनों में कर सकते हैं। देखो ये आपको क्या दिया है, हिंट दिया है कैपेसिटी का, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पुरुष और महिला, पुरुष द्वारा लिए गए समय से दुगना समय लेती है महिला, यानी कि पुरुष को अगर 1 टाइम लगता है तो महिला को कितना लगता है, 2। तो अगर टाइम का रेशियो 1 और 2 है तो कैपेसिटी का रेशियो कितना हो गया, 2 और 1 का। हमने इसकी कैपेसिटी निकाल ली, अब हम टोटल वर्क निकाल सकते हैं कैसे। देखो 12 महिलाएं और 16 पुरुष, 12 महिलाएं कितने लड्डू बनाएंगी, 12 लड्डू बनाएंगी, 16 और 16 पुरुष कितने बनाएंगे, 16 × 2 = 32, क्योंकि एक पुरुष 2 लड्डू बनाता है, तो 16 × 2 कितना हुआ, 32, और कितना टाइम लगता है, 11 दिन लगते हैं, तो ये हमारा टोटल वर्क हो गया। अब ये वर्क किससे करवाना है, 16 पुरुष से, यानी कि 16 × 1 पुरुष जो है वो लड्डू कितने बनाता है, 2,
तो यहाँ पे कितना हो गया आपका 44 इंटू 11 बटे 16 इंटू 2, तो 4 से काटेंगे 11 और 4 चक्कू 16, यानी कि 11 ग्रामन 121 बटे 8 जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है? पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, एक संख्या 200 से घटकर 150 कर दी गई तो प्रतिशत कमी क्या होगी? देखो 50 की कमी हुई 200 में, तो 100 में कितनी होगी? सिंपल सा क्वेश्चन है, तो इसे डिवाइड कर दो, कितना जाएगा? 25%। तो तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, एक वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 4/3 गुना, यानी कि 3 की चीज को 4 का बेचा जाता है, तो कितने का फायदा हुआ? 1 का। फायदा या नुकसान हमेशा क्रय मूल्य पे होगा, तो 3 का 1 का फायदा होता है 3 पे, तो 100 पे कितना होगा? 100/3 की वैल्यू क्या होती है? 33, सही, 1/3%। तो चौथा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आपको बताना है दिए गए युग्मों में से कौन सा युग्म असहभाज्य संख्या युग्म बनाता है, तो को प्राइम नंबर क्या होते हैं जिनके बीच का एससीएफ वन हो? तो यहाँ पे देखो एससीएफ वन है क्या? नहीं, क्योंकि ये संख्या कटती हैं। यहाँ पे भी एससीएफ वन नहीं, यहाँ पे भी एससीएफ वन नहीं, यानी कि वो संख्याएं जो एक दूसरे से कटे ना, सिर्फ यहाँ पे एससीएफ वन है, यानी कि चौथा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है कि दो एथलीट ए और बी एक ही आरंभिक बिंदु से 1800 मीटर लंबाई के गोलाकार ट्रैक पर एक ही समय पर क्रमशः 9 मीटर पर सेकेंड और 6 मीटर पर सेकेंड की चाल से दौड़ना शुरू करते हैं, विपरीत दिशाओं में दौड़ते हुए वे कितने अलग अलग बिंदुओं पर मिलेंगे? तो देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कुछ भी आपको सोचने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखो इनकी चाल का जो अनुपात है वो कितना है, ये पहला जो है वो 9 मीटर पर सेकेंड की चाल से जाता है और दूसरा जो है वो 6 मीटर पर सेकेंड की चाल से दौड़ता है। तो चाल का अनुपात कितना होगा? 3 से अगर काटे तो 3 × 3 = 9, 3 × 6, तो कितने बिंदुओं पर मिलन होगा? देखो विपरीत दिशाओं में जा रहे हैं, इसका मतलब 3, 2, 5 बिंदुओं पर इनका मिलन होगा। अगर ये एक ही दिशा में जा रहे होते तो एक ही दिशा में चाल क्या होती है? घटा के निकालते रिलेटिव स्पीड, तो इसका मतलब है कितने बिंदुओं पर मिलन होता? 1 बिंदु पर। तो इसका आंसर क्या जाएगा? 5। तो पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है कि एक पंखे का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक है, यदि अंकित मूल्य पर 12% की छूट दी जाती है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? मान लेते हैं कि जो CP है वो कितना है? 100 रुपये, तो इसका MRP कितना रखा गया? इससे 25% ज़्यादा, यानी कि 125 रुपये, और फिर इस पर डिस्काउंट दिया गया 12% का, तो कितने का बेचा गया भाई? 125 पे 12% का डिस्काउंट, दैट मीन 88% में बेचा गया, यानी कि 88/100, 25 × 5 = 125, 25 × 5 = 100, 4 से काटेंगे 22, 22 × 5 कितना हुआ? 110। अगर 100 की चीज़ 110 की बिक रही है, इसका मतलब है 10 का फायदा हुआ और 10% का ही फायदा हुआ, क्योंकि परसेंट हम जो है वो 100 पे ही कैलकुलेट करते हैं। तो पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है एक बेलन का जो व्यास है वो 14 सेंटीमीटर है, यानी कि रेडियस कितनी हो गई? 7, और इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 220 सेंटीमीटर स्क्वायर है, बेलन का आयतन क्या होगा? तो बेलन का वक्र पृष्ठ जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? 2πRh होता है, और उसकी वैल्यू कितनी दी है? 220, तो 2π की वैल्यू कितनी हुई? 22/7, r की वैल्यू 7, h की वैल्यू यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे, तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, 22 × 5 = 220, तो यहाँ पे 2 से काटेंगे तो कितना हुआ? 5, यानी कि h की जो वैल्यू है वो 5 आ गई। तो बेलन का आयतन क्या होता है? πr²h, तो पाई की वैल्यू कितनी? 22/7, आर स्क्वायर यानी कि 7 × 7, एच की वैल्यू 5, तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, 22 × 5 = 110, 110 सत्य कितना हुआ? 770, दैट मीन चौथा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है दो संख्याओं का गुणनफल कितना है? 6750 है, और उनका लघुत्तम समावर्त जो है वो 450 है, यदि संख्याओं के बीच का अंतर जो है उनके एससीएफ के बराबर है तो छोटी संख्या क्या होगी? देखो आपको पता होना चाहिए दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो किसके बराबर होता है? LCM × SCF के बराबर होता है, तो यहाँ से हम SCF निकाल सकते हैं, क्योंकि गुणनफल कितना दिया हुआ है? 6750, LCM कितना दिया है? 450, तो SCF कितना हो जाएगा? 0 से 0 कैंसिल हो गया, 15 से काटेंगे 15 × 3 = 45, और 15 × 6 = 60, 15 × 5 = 75, और यहाँ पे 3 से काटेंगे तो कितना आएगा? 15, यानी कि SCF कितना हो गया? 15 हो गया। अब जितना SCF है वही इनकी संख्याओं के बीच का अंतर है, यानी कि A - B की जो वैल्यू है वो कितनी है? 15 है। अब या तो आपके पास तरीका क्या है, देखो आपको
ए इंटू बी की वैल्यू दी है, ए बी की वैल्यू कितनी दी है 6750 और ए माइनस बी की वैल्यू कितनी है 15। तो यहाँ से ए प्लस बी की वैल्यू निकालो फिर इसे सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, वो संख्या लो दो जिनके बीच का डिफरेंस जो है वो 15 है और गुणनफल इतना है, तो हमने मान लिया 90 और 75 है, तो इसको गुणा करोगे तो इतना ही आएगा, इनका डिफरेंस भी आपका कितना हो रहा है 15, छोटी संख्या आपको बतानी तो कितनी जाएगी 75। तो तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो उम्मीद करता हूँ कि अगर आपने पूरी क्लास देखी होगी तो सारे क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। बाकी जो हमारा एप्लीकेशन है उसे आप डाउनलोड कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट ऑल इंडिया, आपके लिए हम लोग वीकली लाइव मॉक कराने वाले हैं एसएससी जीडी के लिए, तो यहीं पे आपके होंगे। उसके अलावा हमारी जो वेबसाइट है उसका भी लिंक यहाँ पे दिया हुआ है, एक्चुअल आप वेबसाइट पे भी मॉक टेस्ट दे सकते हैं बिल्कुल एसएससी के फॉर्मेट पे, तो इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर लीजिए। तो करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।